करने पर अब तक आपने सिर्फ इंसानों को हवालत की हवा खाते देखा होगा, पर क्या किसी हाथी को थाने में पुलिस अभिरक्षा में देखा है? नहीं ना। तो चलिए हम आपको आज थाने में गजराज की खबर से रूबरू कराते हैं। मामला नरसिंहपुर के गोटेगांव थाने का है, जहां परिवहन अवज्ञा न होने पर महावताओं द्वारा ले जा रहे हाथी को थाना परिसर में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है और इस दौरान बकायदा उसका मेडिकल मुलाहजा भी कराया गया। हालांकि थाने में गजराज की अभिरक्षा के चक्कर में थाना पुलिस को हाथी की जमकर खातिरदारी भी करनी पड़ी और हाथी के भोजन की भी व्यवस्था करनी पड़ी। वहीं हाथी को सुरक्षा में रखने की जानकारी नरसिंहपुर में आग की तरह वायरल हो रही है और खूब सुर्खियों में बनी हुई है। पुलिस अभिरक्षा में गजराज चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जाते हुए दिखे उस संबंध में जब उनके हाथी के जो परिचालक लोग थे उनसे बातचीत की गई, उनके पेपर्स देखे गए, तो उसमें एक परिवहन अनुज्ञा होती है जो वन विभाग जारी करता है। वो परिवहन अनुज्ञा के कागज नहीं थे, उन्होंने उसके लिए अप्लाई किया हुआ था वन विभाग के लिए, लेकिन उनके पास अभी ये कागज उपलब्ध नहीं थे, तो उनको एहतियातन सुरक्षा के नाते वो यहाँ थाना परिसर में लाकर खड़ा कर लिया गया है और वन विभाग को चिट्ठी लिखी गई है। कल से हाथी बंदे खाने पीने की व्यवस्था भी थाने द्वारा मुहैया कराई गई है। अब निश्चित तौर पर हमारे पास यदि कोई आएगा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो हमने कुछ गन्ना भी उगवा दिया, उनके खाने की व्यवस्था करवा दिया था ताकि हाथी जानवर मुख प्राणी भूखा प्यासा ना रहे, उसकी व्यवस्था पर्याप्त कर दिए थे। मेडिकल चेकअप भी कराया गया सर, हाथी को कोई बीमारी ना हो, कोई इन्फेक्शन ना फैल जाए, इसलिए भी उसका परीक्षण करा लिया गया था। कल वही 1 बजे करीब। अच्छा, फिर आपकी व्यवस्था क्या हुई हाथी के लिए? हाथी के लिए सर ने गन्ना बुलवाए और सब खर्चा पानी भी दिए और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कागज बस देख के और फिर छोड़ दिए। मेडिकल चेकअप भी कराया गया जी, फिटनेस भी इसकी कराई गई है और वन विभाग ने भी बोल दिया कि क्लियर है। हाँ, एक हाथी जो छतरपुर गाँव के आसपास घूम रहा था तो पब्लिक की शिकायत बनने पर TI साहब द्वारा उसकी भी जाँच की जा रही है, और क्योंकि हाथी को कहीं ले जाना करने के लिए एक उसकी TP जो होती है परिवहन अनुज्ञा वो उसके पास नहीं है, तो फॉरेस्ट वालों को बताया गया है और जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। हाथी को अभी हवालात में ही रखा गया है? नहीं, हाथी वहाँ पर भी उसको गन्ने वगैरह खिलाया जा रहा, अच्छे से रखा गया है।